सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी पिछली वीडियो में बात हो रही थी, पिछली क्या उसी भी पिछले वाले वीडियो में मोटिवेशन 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 की बात हो रही थी। चलो मोटिवेशन तो बहुत हो गया, अब कुछ पढ़ाई की बात कर लेते हैं। तो हमने इस मोटिवेशन से पहले वाली वीडियो में बात की थी स्पोर्ट्स में जितने भी ट्रॉफियाँ कप मिलते हैं उनसे, और आज हमारा है साहित्य और विज्ञान में, साहित्य और विज्ञान के सेक्टर में जितने भी पुरस्कार मिलते हैं उनकी विथ ट्रिक के साथ, ये अपना छोटा सा टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको आज बिना टाइम वेस्ट करते हुए। इससे पहले आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी आपके लिए आर्मी से रिलेटेड कोई भी वीडियो या आर्मी की रनिंग टिप्स या कोई भी मोटिवेशन वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की हमारी वीडियो, आज का हमारा टॉपिक है साहित्य और विज्ञान में पुरस्कार, साहित्य और विज्ञान में पुरस्कार। तो चलो पहले बात कर लेते हैं साहित्य में पुरस्कार, मतलब अपने साहित्य में जितने भी पुरस्कार मिलते हैं उनकी बात करते हैं। जो साहित्य में फ्रेंड्स अपने पुरस्कार मिलते हैं उनकी ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक आप एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगी और आप अपने साहित्य में जितने भी जो पुरस्कार मिलते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इसकी ट्रिक है, एक व्यास नाम का लड़का है फ्रेंड्स, व्यास है, वो कहता है ज्ञान की देवी सरस्वती है। व्यास नाम का लड़का कहता है ज्ञान की देवी सरस्वती है, वह भारत का साहित्य तानसेन है। तो इसे फ्रेंड क्या निकल के आता है, अपने साहित्य में जितने भी पुरस्कार मिलते हैं उनकी छोटी सी ट्रिक है, आप एक दो बार देख लेंगे तो आपके सारे पुरस्कार कवर हो जाएंगे। तो अपनी ट्रिक है, एक व्यास नाम का लड़का है वो कहता है ज्ञान की देवी सरस्वती है, वह भारत का साहित्य तानसेन है। तो चलो अपने इससे कौन कौन से पुरस्कार निकल के आते हैं उनकी बात करते हैं। अपना व्यास से हो गया फ्रेंड्स, पहला व्यास पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए याद करके चलें। व्यास पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, हम साहित्य के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, और इसमें राशि है ये भी कई बार फ्रेंड्स पूछी जा सकती है, तो इसमें राशि है वो 3 लाख रुपये मिलते हैं व्यास पुरस्कार के साथ। चलो आगे बात करते हैं ज्ञान, अपना ज्ञान से क्या निकल के आता है फ्रेंड्स, ज्ञानपीठ पुरस्कार ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसमें फ्रेंड्स राशि है वो 11 लाख रुपये दिए जाते हैं, याद करके चलें। आगे बात कर लेते हैं, अपना देवी से हो गया फ्रेंड्स मूर्ति देवी पुरस्कार, ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इसमें राशि है फ्रेंड्स वो 5 लाख रुपए दी जाती है, और ये लागू 1983 में हुआ था। चलो आगे बात कर लेते हैं, अपना सरस्वती से निकल के आता है फ्रेंड्स सरस्वती पुरस्कार, ये पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इसमें फ्रेंड्स राशि है वो 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, सबसे अधिक राशि इसी पुरस्कार में मिलती है साहित्य के सेक्टर में। तो याद करके चले, एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि साहित्य के क्षेत्र में सबसे अधिक राशि कौन से पुरस्कार में दी जाती है, तो सरस्वती पुरस्कार में दी जाती है 15 लाख रुपए, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं, आगे है अपना भारत, भारत से हो गया अपना भारत भारती पुरस्कार, ये भी है अपना वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इसमें राशि हो फ्रेंड्स वो 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, याद करके चलें। और अपना लास्ट है साहित्य, साहित्य से बनता है अपना सेकेंड लास्ट है साहित्य से बनता है अपना साहित्य पुरस्कार, ये भी साहित्य के संगीत वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इसमें भी राशि है फ्रेंड्स वो 5 लाख रुपए मिलते हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं, अपना लास्ट है साहित्य में तानसेन, तानसेन से बनता है अपना फ्रेंड्स तानसेन पुरस्कार, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ तक तो थे साहित्य के क्षेत्र में, और ये तानसेन है तो साहित्य का ही ये पुरस्कार, लेकिन ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। तो याद कर चले, तानसेन पुरस्कार ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद करके चलें। तो चलो आगे बात कर लेते हैं, अपने साहित्य में बात हो गई, अब बात कर लेते हैं विज्ञान में, विज्ञान में अपने जितने भी पुरस्कार मिलते हैं उनकी बात कर लेते हैं। विज्ञान में जो पुरस्कार मिलते हैं उनकी उनकी भी फ्रेंड्स एक छोटी सी ट्रिक है, आप एक बार ट्रिक एक दो बार देख लेंगे तो आपके सारे पुरस्कार कवर हो जाएंगे। तो चलो बात करते हैं विज्ञान के सेक्टर में जितने भी पुरस्कार मिलते हैं उनकी ट्रिक की। अपनी ट्रिक है फ्रेंड्स, बोर की शांति जीडी बजाज का धन विज्ञान में है। फ्रेंड्स ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप एक दो बार देख लेंगे तो आपकी कवर हो जाएंगे विज्ञान में भी जितने पुरस्कार मिलते हैं वो सारे। तो एक बार दोबारा से देखते हैं, विज्ञान में जितने भी पुरस्कार मिलते हैं उनकी ट्रिक है, बोर की शांति जीडी बजाज का धन विज्ञान में है। बोर की शांति जीडी बजाज का धन विज्ञान में है, इससे अपने कौन कौन से पुरस्कार निकल के आते हैं उनकी बात करते हैं। अपना बोर से हो गया फ्रेंड्स बोर लोग पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स एग्जाम के लिए बोर लोग पुरस्कार, ये है कृषि विज्ञान में
दिया जाता है और इसमें राशि है वो 5,00,000 रुपए दिया जाता है। और ये कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि बोर्डलो पुरस्कार कब लागू हुआ था, 1971। चलो आगे बात करते हैं, शांति, शांति से अपना लिखे निकल के आता है फ्रेंड्स शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये भी विज्ञान के सेक्टर में दिया जाता है। इसमें राशि 5,00,000 रुपए दी जाती है तथा सबसे प्राचीन है विज्ञान के सेक्टर में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, और इसमें राशि 5,00,000 रुपए और सबसे प्राचीन है, ये 1957 में लागू हुआ था। चलो आगे बात करते हैं जीडी से अपना निकल के आता है फ्रेंड्स जीडी बिड़ला पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स एग्जाम के लिए जीडी बिड़ला पुरस्कार, ये भी विज्ञान के सेक्टर में दिया जाता है। इसमें राशि 5,00,000 रुपए दी जाती है, लागू 1991 में हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे अपना निकल के आता है बजाज, फ्रेंड्स बजाज से क्या निकल के आता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जमनालाल बजाज पुरस्कार, ये भी विज्ञान के सेक्टर में दिया जाता है और इसमें भी राशि है वो 5,00,000 रुपए दी जाती है और ये लागू 1978 में हुआ था। चलो तो आगे बात करते हैं अपना धन से कौन सा पुरस्कार निकल के आता है फ्रेंड्स, धनवंतरी पुरस्कार, ये धनवंतरी पुरस्कार है ना, ये थोड़ा सा अलग है फ्रेंड्स, धनवंतरी पुरस्कार ये है चिकित्सा विज्ञान के सेक्टर में दिया जाता है, चिकित्सा विज्ञान का सेक्टर में जिसे आयुर्वेद में माना जाता है, और इसमें भी राशि है वो 5,00,000 रुपए और ये लागू हुआ था 1971 में। चलो तो और इसी में एक है फ्रेंड्स, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार ये भी विज्ञान के सेक्टर में दिया जाता है। विश्व में कृषि विज्ञान का जनक है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक बार आप देख लीजिए। विश्व में कृषि विज्ञान का जनक है नॉर्मन बोरलॉग, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं भारत में, ऊपर तो बात हो रही थी विश्व में और यहाँ पे बात हो रही है भारत में कृषि व हरित क्रांति का जनक है स्वामीनाथन, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो चलो फ्रेंड्स एक बार पूरे टॉपिक की डिटेल से बात कर लेते हैं। आज का हमारा फ्रेंड्स टॉपिक है वो साहित्य और विज्ञान में जितने पुरस्कार मिलते हैं उनकी विथ ट्रिक के साथ बात हो रही है, साइंस में जितने पुरस्कार मिलते हैं उनकी विथ ट्रिक के साथ बात हो रही है, अपना साहित्य में हम बात कर रहे हैं, अपने साहित्य में जितने पुरस्कार मिलते हैं उनकी छोटी सी ट्रिक है, आप एक दो बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगी। चलो बात करते हैं साहित्य में पुरस्कार मिलते हैं उनकी ट्रिक की। व्यास है, एक व्यास नाम का लड़का, वो कहता है ज्ञान की देवी सरस्वती तथा भारत का साहित्य तानसेन है। व्यास नाम का लड़का है, वो कहता है ज्ञान की देवी सरस्वती और भारत का साहित्य तानसेन है, तो इसे कौन कौन से पुरस्कार निकल के आते हैं देख लेते हैं। व्यास से हो गया अपना व्यास पुरस्कार, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इसमें 3,00,000 रुपए मिलते हैं। और आगे हो गया अपना ज्ञान से हो गया ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, राशि इसमें 11,00,000 रुपए याद करके चलें। और अपना देवी से हो गया अपना मूर्ति देवी पुरस्कार, ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, राशि इसमें 5,00,000 रुपए मिलते हैं और ये लागू 1983 में हुआ था, याद करके चलें। और अपना सरस्वती से निकल के आता है फ्रेंड सरस्वती पुरस्कार, ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसमें राशि सबसे अधिक 15,00,000 रुपए याद करके चले फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सरस्वती पुरस्कार में सबसे अधिक राशि 15,00,000 रुपए दिया जाता है। चलो आगे बात करते हैं अपना भारत से हो गया भारत भारती पुरस्कार, ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इसमें राशि 5,00,000 रुपए मिलते हैं। चलो आगे बात करते हैं साहित्य पुरस्कार, साहित्य से बनता है अपना साहित्य पुरस्कार, ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और राशि 5,00,000 रुपए मिलते हैं इसमें भी। और अपना हो गया साहित्य के क्षेत्र में तानसेन से बनता है अपना तानसेन पुरस्कार, ये संगीत के क्षेत्र में मिलता है, थोड़ा सा अलग है फ्रेंड्स याद करने के लिए, तानसेन पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कार दिया जाता है, तो याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक आप एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगी। तो चलो आगे बात करते हैं अपने विज्ञान में जितने भी पुरस्कार मिलते हैं उनकी, विज्ञान में अपने जितने भी पुरस्कार मिलते हैं उनकी भी एक छोटी सी ट्रिक है फ्रेंड्स, आप एक दो बार देख लेंगे तो याद हो जाएगी। चलो बात करते हैं विज्ञान में जितने भी पुरस्कार मिलते हैं उनकी ट्रिक की, बोर की शांति जीडी बजाज का धन विज्ञान में है, विज्ञान में जितने पुरस्कार मिलते हैं उनकी ट्रिक है फ्रेंड्स, बोर की शांति जीडी बजाज का धन विज्ञान में है। चलो अब इसे कौन कौन से पुरस्कार निकल के आते हैं, बोर से हो गया बोरलॉग पुरस्कार, ये पुरस्कार कृषि विज्ञान में दिया जाता है, इसमें राशि 5,00,000 रुपए और ये लागू हुआ था 1971। आगे बात कर लेते हैं शांति से हो गया अपना शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये भी विज्ञान के सेक्टर में दिया जाता है, राशि 5,00,000 रुपए और ये लागू हुआ था 1957 में और ये सबसे प्राचीन है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, याद करके चलें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आगे बात कर लेते हैं जीडी से हो गया अपना जीडी बिड़ला पुरस्कार, ये भी विज्ञान सेक्टर में दिया जाता है, इसमें राशि 5,00,000 रुपए और ये लागू हुआ था 1991, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात कर लेते हैं बजाज से हो गया अपना जमनालाल बजाज पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार, ये भी विज्ञान के सेक्टर में दिया जाता है, राशि 5,00,000 रुपए और ये लागू हुआ था 1978 में। चलो आगे बात कर लेते हैं धन से हो गया अपना धनवंतरी पुरस्कार, ये भी
चिकित्सा विज्ञान में दिया जाता है जिसे आयुर्वेद कहा जाता है, और इसमें राशि 5 लाख रुपए लागू हुआ था 1971 में। चलो और इसी में है एक अपना हुआ है कलिंग पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स एग्जाम के लिए, कलिंग पुरस्कार ये भी विज्ञान के सेक्टर में दिया जाता है। और आगे बात करते हैं, विश्व में कृषि का जनक है नॉर्मन बोरलॉग और भारत में कृषि का जनक है स्वामीनाथन। ऊपर तो बात हो रही थी विश्व में कृषि का जनक नॉर्मन बोरलॉग और नीचे बात हो रही है भारत में कृषि का जनक तो स्वामीनाथन, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है याद करके चले। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक और अभी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके और भी किसी भाई की मदद हो सके। और इस वीडियो को शेयर करें और अपने आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल।